हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो सैमसंग के स्मार्टफोन्स होते हैं, अगर वहां पर हमें प्रॉब्लम्स आती है, लाइक हमारा जो स्मार्टफोन है वो स्लो हो गया है, या फिर कोई बग क्रिएट कर रहा है, या हैंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम किस तरीके से परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब आवाज़ आपको ज़्यादा बेटर आ रही होगी। एंड यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हैंग की प्रॉब्लम हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं किसी भी सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर। एंड साथ ही साथ जो आपकी स्टोरेज है, यानी कि जो इंटरनल स्टोरेज है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्री होने वाली है। और इससे आपका डिवाइस में, मेरे हिसाब से जितना मैंने इसको एक्सपीरियंस करा है, लगभग 25% ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है हमारा स्मार्टफोन। यहाँ पर मेरे पास जो सैमसंग का गैलेक्सी नोट 9 है, मैं इसमें अक्सर ये चीज़ करता रहता हूँ, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी मतलब ज़्यादा स्लो जल्दी हो जाता है, पता नहीं क्यों, बिकॉज ये मेरा प्राइमरी हेडसेट है मैं भी, और मैं इसके अंदर हमेशा टर्न ऑन करके रखता हूँ नेट, तो इस वजह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी ये प्रॉब्लम आती है। और मैं इसको लगभग 10-15 दिन में करता रहता हूँ ये चीज़ें। एंड वो क्या ट्रिक है, किस ट्रिक से मैं ये चीज़ ठीक कर देता हूँ, एंड बिलीव मी, यहाँ पर जो मेरा स्मार्टफोन है ना, उसकी जो स्टोरेज है, लगभग यहाँ पर मेरी 9.something GB फ्री हुई थी, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं। डिपेंड करता है आप कितनी कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, एंड जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन होंगी उतने ज़्यादा आपका जो है इंटरनल स्टोरेज भरेगा उसके कैच फाइल से, जिसकी वजह से हमारा जो डिवाइस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि हमारा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक है, या कोई भी आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, जैसे कि मैं इस डिवाइस को ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जैसे कि फेसबुक है, एंड मैं फेसबुक की इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा। एंड यहाँ पर 320 MB की फाइल बता रहा है, बट यहाँ पर आप देखोगे 4.something MB का कैच डाटा है। एंड कुछ एप्लीकेशन में बहुत कम होता है, डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज, कि आप कौन सी एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा यूज़ करते हो। किसी एप्लीकेशन को आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपके डिवाइस की जो एप्लीकेशन होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा कैच होगा, 400 MB, 500 MB, इवन 1 or 2 GB तक जाता है कैच। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा, मेरा जो सैमसंग का गैलेक्सी नोट 9 है, मैं इसमें दिखाता हूँ कोई एप्लीकेशन जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, लाइक मैं इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो देखते हैं इसमें कितना कैच फाइल क्रिएट हुआ है, 248 MB। देखो यहाँ पर, ये मैंने अभी इसमें कुछ टाइम पहले ही क्लियर करा था, बट फिर भी यहाँ पर आप देखोगे कि 100 and something MB का यहाँ पर आ रहा है, 120 MB। ऑलराइट, फोकस, ओके। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं क्लियर कर देना है इसके कैच को। पहले क्या होता था कि हम एग्जैक्टली मतलब सारा जो कैच फाइल होती थी उसे हम सेटिंग्स में से क्लियर कर सकते थे, बट नाउ अब सैमसंग ने उस ऑप्शन को रिमूव कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट जबकि उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता। आज भी काफ़ी सारे सैमसंग के अलावा स्मार्टफोन जो होते हैं उनमें हमें ये फीचर देखने को मिलता है, बट इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, एंड इसे आप उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं एप्लीकेशन पर ट्राई करें जो कि ज़्यादातर आप एप्लीकेशन को यूज़ करें, बट आप जो भी एप्लीकेशन या कोई भी गेम आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसको आपको इस तरीके से क्लियर कैच करना होगा, इससे आपके डिवाइस की जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। ध्यान रखना है कि आप क्लियर डाटा ना कर दें, अगर क्लियर डाटा कर देंगे तो आपका जो डाटा है वो सब रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका आपकी जो एप्लीकेशन है तो वो दोबारा से रिस्टार्ट होगी, जो कि काफ़ी एक डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ है। कभी आप मुझे कमेंट करके, भाई आपके इस ट्रिक की वजह से मेरा जो डिवाइस की एप्लीकेशन है वो सब चली गई है, और किसी गेम में आपने काफ़ी हाई लेवल करे हुआ, आपका रीसेट हो जाएगा वो, तो ये चीज़ मत करना, ध्यान से करना इस चीज़ को। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको अपने मोबाइल को टर्न ऑफ करना है। टर्न ऑफ करने के बाद में आपको जाना होगा रिकवरी मोड में। रिकवरी मोड में आपको कुछ तरीके से पहुँचाना है, आपको पावर की एंड वॉल्यूम आपकी एक साथ प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, जब आपका डिवाइस कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो जाए, लाइक अभी तक वाइब्रेट फील नहीं हुआ, अब हुआ, तो फिर अब ये टर्न ऑफ हो गया है। अब मुझे यहाँ पर ये दोनों कीज़ प्रेस एंड होल्ड करके रखनी होंगी अनटिल ये डिवाइस जो है मेरा रिकवरी मोड में नहीं आ जाता। सैमसंग का लोगो आगा, बट स्टिल आपको होल्ड करके रखना है, एंड अभी और ये रिकवरी मोड आ गया हमारा एंड्रॉयड रिकवरी। एंड यहाँ पर आपको जो है हमें जाना है वाइप कैच पार्टीशंस पर, इससे काफ़ी सारे बॉक्स फिक्स होते हैं, ये मैं कहता हूँ, मतलब ये कंप्लीट स्टेप मैंने आपको बताया ना, ये आपको महीने में अगर आप दो बार करोगे तो आपका डिवाइस कभी भी स्लो नहीं होगा, और ऐसा फील होगा कि आपके डिवाइस में रॉकेट लग गए हैं,
लाइक अगर आप किसी लैपटॉप को यूज़ करो और आप हार्ड डिस्क से SSD पर स्विच कर दो तब आपको स्पीड फील होती है, उसी तरीके से आपको ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करने के बाद में आपको ये फील होगा कि आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा फास्ट और रिस्पॉन्सिव हो गया है एंड यहाँ पर आपको कोई भी बग्स वगैरह भी देखने को नहीं मिलेंगे, लाइक स्लो चार्जिंग, फास्ट बैटरी ड्रेन एंड कुछ भी तरीके का ऐप क्रैश, कुछ भी इस तरीके का बग्स देखने को नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको वाइप कैच पार्टीशन करना है। मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ, वाइप कैच पार्टीशन करना है ना कि वाइप डाटा फैक्टर रीसेट, इससे आपका कंप्लीट डाटा रीसेट हो जाएगा एक्चुअली में, फॉर्मेट हो जाएगा आपका डिवाइस, तो आपको ये करना है ऑलराइट। एंड इसको करने के बाद में आपको नॉर्मली रिबूट कर देना अपने डिवाइस को एंड आपके जो स्टेप्स हैं वो कम्प्लीटली फॉलो हो चुके हैं। यहाँ पर ये वो स्टेप्स थे जो कि आपको फॉलो करने हैं, इसके बाद में आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। बिलीव मी, मेरा 9 GB का कैच हो रहा था नोट 9 के अंदर एंड मैंने उसको क्लियर करा तो बहुत ज़्यादा मुझे बेटर फील हुआ एंड बहुत ज़्यादा स्पीडी फील हुआ मेरा डिवाइस में, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये ट्रिक बता रहा हूँ। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस करी हुई है, रिसेंटली मैंने इसको ट्राई करा था अपने नोट 9 के अंदर बिकॉज मेरा डिवाइस जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो कर रहा था, हीट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड मैंने इस चीज़ को करा, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ मेरा डिवाइस, तो ज़रूर से ट्राई करना। एंड ये था आज की इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे किसी अच्छे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।